वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नजर मार लें हुण तक दीआं अहम खबरां ते। जिला अदालत विच वीरवार अचानक धमाका हो गया, जिस पिछों अचानक लोगों विच हफड़ा दफड़ी मच गई है। भयानक धमाके कारण इमराद का मलबा डिग गया है, जिस हेठ कई लोग दब गए ने। धमाके विच दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जख्मी हो गए ने, जिन्हों सिविल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। यह भी दसा जा रहा है कि धमाका अदालत की तीजी मंजिल से उदों होया जदों ज्यादा भीड़ सी। धमाके की जानकारी मिलने तुरंत पुलिस, बंब दस्ता और ऑपरेशन सैल मौके पर पुज गए ने। धमाके की गंभीरता वेखते हुए सुरक्षा एजेंसियों वालों सारे पंजाब विच हाई अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने अज हस्पताल विच जख्मियों नाल मुलाकात की। धमाके की निंदा करदियां पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकारों नाल गलबात करदियां कहा कि जिवें विधानसभा चोणां नेड़े आ रही ने, कुछ देश विरोधी ताकतां अजिहियां घिनौणियां वारदातां नूं अंजाम देण की कोशिशां कर रही ने। इस बारे सरकार चौकस है और लोगों को भी सुचेत होना चाहिए। चन्नी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लुधियाने विखे हुए बंब धमाके को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यह सब कुछ पंजाब की अमन शांति को भंग करने वास्ते एक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए है। अजिहियां घटनावां वोटां नेड़े आउण ते ही क्यों होंदियां ने। सिद्धू ने ट्वीट किया कि लुधियाना की अदालत विच होए धमाके विच कोई शक का प्रस्तावा नहीं रह जाता, जबकि पंजाब विच अमन कानून की समस्या पैदा करने लिए निहित हितों द्वारा शांति भंग करने वाली गतिविधियां की एक लड़ी की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जान गुआने वाले प्रति हमदर्दी और जख्मियों की जल्दी ठीक होने की अरदास करता हां। श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया विरुद्ध FIR दर्ज करने तो बाद लुधियाना शहर नूं हिलाने वाले बंब धमाके के नाल नाल बेअदबी ताज़ा घटनावां बारे पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने अज सवाल किया कि मजीठिया विरुद्ध FIR दर्ज होने तो बाद ही अजिहियां घटाउणी घटनावां क्यों वापर रही ने। यह दलील दिंदे उन्होंने कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकत हैं जो सूबे की शांति को भंग करना चाहुंदियां ने। उन्होंने यह भी कहा कि मजीठिया के मामला दर्ज होने तो बाद ही सारिया बेअदबी वाली घटनावां और धमाके क्यों हो रहे हैं। उन्होंने अगे कहा कि सिर्फ एक केस ने मजीठिया को लुकन लिए मजबूर कर दिता, जेकर अकाली आगू ने कुछ गलती नहीं की तो उसनू कानूनी प्रक्रिया का सामना करने लिए अगे आना चाहिए। साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपने विरुद्ध पंजाब पुलिस वालों दर्ज नशे के मामले में जमानत हासिल करने लिए मोहाली की अदालत में पटीशन दायर की है। सूत्रों अनुसार अपनी अर्जी में मजीठिया ने कहा कि उसके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसनू जमानत दी जाए। अर्जी से वीरवार अदालत में सुनवाई हुई सी, जिस दौरान वकीलों की दलीलों सुनने तो बाद अदालत ने मामला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शेखावत ने अज अमृतसर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सरहदी सूबा है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी वेले पंजाब की तस्वीर खुशहाल सूबे वाली सी, पर हुण सूबा नशे, अपराध और माफिया के गिरफ्त में आ चुका है। शेखावत ने अज लुधियाना कोर्ट में हुए बंब धमाके की निंदा करदिया इसकी उच्च पदरी जांच की मांग करदे कहा कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी विधानसभा चोणों मौके माहौल खराब करने की कोशिश की गई सी, हुण मुड़ फिर उही माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने चन्नी सरकार उत्ते शब्दी हमले करदे कहा कि पंजाब का माहौल ठीक रखने की जिम्मेवारी रणजीत सिंह चन्नी की है, वह अपनी जिम्मेवारी तो भज नहीं सकते। श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल और होर लीडरों की हाजिरी में टकसाली अकाली आगू रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल में वापसी की है। इस मौके टकसाली अकाली आगू रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि मैं घर वापसी नाल बहुत खुश हाँ, हुण तक बादल साहब नाल मेरी कोई गलबात नहीं हुई है, यह रब की ही कृपा है, मैं पार्टी विच वापस आ गया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना अदालती इमारत विच होए बंब धमाके की सख्त निखेधी करदिया सूबे की विगड़ रही कानून व्यवस्था बारे कांग्रेस सरकार नूं जिम्मेवार दस्सिया। पार्टी के सुप्रीमो अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान, पंजाब मामलों के सह इंचार्ज राघव चड्ढा अते विधायक अमन अरोड़ा ने धमाके विच मरण वाले व्यक्तियों प्रति गहरे दुख का प्रगटावा करदिया सरकार तो मांग की है कि इस मामले की उच्च पदरी से जांच करवाई जाए और साजिशकारां नूं सख्त तो सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब विच सारे लोग प्यार नाल रहिंदे ने, पर चन्नी सरकार एक निकम्मी सरकार है जिहड़ी ना तो बेअदबी मामले ते इंसाफ दे सकी अते हुण सूबे का माहौल खराब करने लई वापर रही घटनावां नूं रोकण विच फेल हुई है। श्रोमणी अकाली दल वालों वीरवार पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग की गई, जिस दौरान पार्टी के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल लंबे समय बाद शामिल होए। बीते दिनी दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब विखे बेअदबी की घटनावां दे दुख जाहर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों तो 3 वारी बेअदबी की घटनावां वापर चुकिया ने, परंतु कोई भी दोषी नहीं फड़िया गया। बेअदबी घटनावां पिछों लुधियाना विखे अदालत विच बंब धमाके ते उन्होंने कहा कि सब पंजाब चोणां 2022 नूं मद्देनजर रख के हो रहा है। उन्होंने नाल ही अकाली मंत्री मजीठिया के परचे नूं लैके इस नूं कांग्रेस की बुखलाहट दस्सिया। उन्होंने कहा कि बदलाखोरी की सियासत की जा रही है, परंतु मैं अपनी सारी जिंदगी विच किसी कांग्रेसी या किसी विरुद्ध झूठा केस नहीं किया।